जेडीयू की तरफ से स्वाभिमान रैली का आयोजन किया जा रहा है। देखिए जो तस्वीरें आपको दिखा रही है पटना के मिलर स्कूल की तस्वीर है, और मिलर स्कूल में जो मुख्य मंच बनाया गया है उसमें चित्तौड़गढ़ का किला वो बनाया गया है, और यहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ जेडीयू के तमाम जो नेता हैं वो कल पहुँचेंगे, और बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छोटू जी, कितना बड़ा कार्यक्रम है, कौन कौन लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या व्यवस्था है लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहले माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन बाबू, वशिष्ठ नारायण सिंह जी, विजय चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, संजय झा जी, सुमित सिंह जी, लेसी सिंह जी, सब लोग आ रहे हैं। और सब तैयारी है, तैयारी का यहाँ तैयारी नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस जो क्षत्रिय समाज को जितना सम्मान दिए आज़ादी के बाद कोई नहीं दिया, इसीलिए सब लोग मुख्यमंत्री जी को सम्मान करने के लिए लोग आ रहा है पूरे बिहार के सभी जिलों से। हम संजय भैया के नेतृत्व में हम लोग सेतु भाई, अशोक बाबू, मीना सिंह जी, सब हम लोग 32 जिला में घूमे। उत्साह हम लोग ने देखा कि हमारे समाज का लोग का जो उत्साह देखे हम लोग नीतीश जी के प्रति, वो कल आप देख लीजिएगा कि पूरे पटना और पूरे पाटलिपुत्रा की धरती में महाजाम हो जाएगा, इतना भीड़ हो रहा है। 24 की तैयारी लगता है, ये 24 की तैयारी बिल्कुल, देखिए हर पार्टी तैयारी करते रहती है, लेकिन यह महाराणा प्रताप का जो पुण्यतिथि जो मन रहा है वह बहुत ही ऐतिहासिक मन रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कल इसी मन से संबोधित करेंगे बिहार के तमाम हमारे समाज के लोगों को, एक नया संदेश देंगे, और आदरणीय संजय सिंह जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हम लोग पूरे बिहार में घूम के समाज के बीच गए थे, भाई छोटू जी थे। कितने लोग आएंगे, लोग उम्मीद है 40 से 50 हज़ार लोग आएंगे, और एक ऐतिहासिक यह रैली होगी, और एक समाज को नई दिशा देने का आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और इस समाज के यहाँ पे तमाम विधायक मंत्री सभी लोग रहेंगे। कितनी भीड़ होगी, कितने लोग आएंगे, क्या अनुमान है, काफ़ी रिकॉर्ड टूटेगा? देखिए 40 से 50 हज़ार का अनुमान है हम लोगों, और इनकम टैक्स से लेकर के आर ब्लॉक तक और अटल पथ और दरोगा राय पथ, ये सारा जो ये इलाका है वो सिर्फ आपको आदमी ही आदमी नज़र आएगी। तैयारी है लगता है, देखिए पॉलिटिकल पार्टी तो हमेशा कुछ ना कुछ तैयारी में रहता ही ना है। 27 गो पटना का सब पौ 27 कम्युनिटी हॉल में ठहरने की व्यवस्था, रात में भोजन, सुबह में नाश्ता, और सारा व्यवस्था इंतजाम इतना अच्छा हुआ है, और सभी लोग में इतना खुशी है, अभी से शाम 6 बजे से गाड़ी आना चालू हो जाएगा। अभी मुजफ्फरपुर कोई पार्क किया है, कोई आरा पार्क किया है, पूरा समझिए कि महाजाम हो जाएगा कल, सिर्फ तो सिर्फ कल महाराणा का वंशज नजर आएगा शहर में। कितना उत्साह है कल के कार्यक्रम को? बहुत ही अत्यधिक उत्साह है, हमारे शिवर सीतामढ़ी से सैकड़ों के संख्या में हमारे साथी जो कि वहां से अब कुछ घंटों में वहां से प्रस्थान करेंगे, और यहां के महाराष्ट्र मंडल रुकने का व्यवस्था किया गया, वहीं पे खाने पीने की व्यवस्था है, और पुरजोर समर्थन है, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, और इनका पूरा श्रेय हमारे बड़े भाई संजय सिंह। संजय भैया, कितने लोग रहेंगे कल, काफ़ी संख्या में लोग? हम अपने मुँह से एक कुछ बोलना नहीं चाहते, तो आपको तय करना है, ये आपको दिखाना है कितना लोग आ रहा है। देख लीजिए सब वीडियो चला रहा है हर जिला से कि भैया इतना गाड़ी लेके निकल चुके हैं, एक ही नहीं कई एक जिला, देखिए काफिला लगा हुआ है, देख रहे हैं, एक एक जिला से तीन तीन टोली आ रहा है, जगह छोटा पड़ जाए, ये इसको ये इसका 5 गुना 6 गुना बाहर रहेगा, काहे चिंता करते हैं। लगता है 24 की तैयारी है जेडीयू, क्योंकि लगातार 24 का हम हर साल करते हैं, इसलिए हम देखिए ये मेरा एक समाज का एक पड़ोसा थे महाराणा प्रताप, तो उनके पुण्यतिथि हम लगातार मनाते हैं, ये चुनाव से इसको कोई मतलब नहीं। मंत्री जी कल कितने बजे आएंगे, क्या कर, 12:30 तक आना चाहिए इनको। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये मुख्य मंच की तस्वीर है, और देखिए मुख्य मंच के बाहर जो है वो बड़े जो है वो पंडाल बनाए गए हैं, और ख़ासतौर पे चित्तौड़ का जो किला है उसके का स्वरूप जो है वो देने की कोशिश जो है वो पंडाल के निर्माताओं द्वारा किया गया, और कोशिश से देखिए यहीं से तमाम नेताओं का जब कल जुटान होगा, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, उनके साथ साथ जेडीयू के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उनकी मौजूदगी रहेगी, तमाम लोगों की मौजूदगी में एक तरह से 2024 का जो है वो शंखनाद भी इसी रैली के माध्यम से करने की कोशिश जो है वो जेडीयू के नेताओं के द्वारा जो है वो की जा रही है। नमस्कार, आपके साथ अनीश कुमार कशित पटना।